नमस्कार, मैं डॉक्टर रेचल शाह हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन यानी कि किडनी स्पेशलिस्ट एट सिम्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज मैं आपके साथ बात करूँगी किडनी की बीमारी, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के बारे में। अगर आपको लंबे टाइम से किडनी की बीमारी है या फिर आपका क्रिएटिनिन लंबे टाइम से यानी 3 महीने से ज़्यादा नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रह रहा है तो उसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। स्टेटिस्टिक्स के अनुसार ये बीमारी विश्व भर में 10% लोगों में देखी जाती है। इसको साइलेंट किलर भी माना जाता है क्योंकि जब तक ये बीमारी के लक्षण आते हैं तब तक ऑलरेडी 50% से ज़्यादा किडनी डैमेज हो गई होती है। तो हम जानेंगे कि ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लक्षण क्या होते हैं। मुंह पे या पैरों में सूजन आना, पेशाब की मात्रा कम होना या फिर बहुत बढ़ जाना, रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता, पेशाब में झाग आना, पेशाब में खून आना, थकान महसूस होना, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाना, भूख कम लगना, उल्टी जैसा महसूस होना, ये सब ये बीमारी के लक्षण हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो ज़रूर से रूटीन ब्लड टेस्ट करवाइए। हमें पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे कि जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, जो लंबे टाइम से ओवर द काउंटर पेन किलर्स ले रहे हैं या फिर जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उनको रेगुलर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, जिनमें मिनिमम एक किडनी फंक्शन टेस्ट एंड यूरिन का रिपोर्ट करवाना चाहिए जिससे पता चल जाए कि ये किडनी की बीमारी है कि नहीं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज या वॉकिंग करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, नमक का प्रमाण कम रखना चाहिए खाने में, ज़्यादा घी तेल अवॉइड करना चाहिए, पानी उचित प्रमाण में लेना चाहिए, स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना चाहिए, आपके नेफ्रोलॉजिस्ट की प्रिस्क्राइब मेडिसिन कंटिन्यू रखें और उनके साथ रेगुलर संपर्क में रहिए। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो हमारे सिम्स हॉस्पिटल में 24/7 हमारी एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट टीम आपकी सेवा में उपलब्ध है।